Welcome to lesson number 4, and today we are going to talk about keyword research. Last video में हमने profile बनाई थी, हमने username बनाया था. Username बनाने के बाद हम research पे आते हैं. आप चाहो तो पहले research कर सकते हो, उसके बाद username बना सकते हो. Either ways दोनों तरीके से काम होगा. जब हमारी research हो जाएगी, हमें पता लग जाएगी कि हमें क्या करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम profile पे जाएंगे और फिर किसी जगह पे काम करेंगे. देखिए, कीवर्ड रिसर्च दो तरीके से की जा सकती है. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको क्या आता है, ठीक है, आपके पास क्या स्किल्स हैं ऑलरेडी. या फिर अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप कौन सी स्किल एक्वायर कर सकते हो उस बेसिस पे, ठीक है. या फिर डिमांड कैसी है मार्केट में. ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता है बट उसकी कोई मार्केट में नीड नहीं है तो वो इट्स ऑफ नो यूज़. अगर वो मार्केट हंग्री है, अगर आपको लगता है कि उस मार्केट में स्कोप है, सेल्स हो जाएंगी, वो हम देखेंगे कि कैसे पता चलता है कि किस मार्केट में कितना स्कोप है, सेल्स होंगी कि नहीं, ठीक है. तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है फाइवर में ना, बहुत सारी कैटेगरीज हैं और बहुत सारी कैटेगरीज नहीं आती रहती हैं. सबसे ईजिएस्ट वे होता है कि अगर कोई नई मार्केट, कोई नई कैटेगरी आई है मार्केट में, आप उस पर हॉप इन कर जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है. क्योंकि फाइवर तभी वो कैटेगरी लाता है जब उसको लगता है कि हाँ यार, इसमें ना आजकल काफ़ी ज़्यादा लेट्स से बायर्स आ रहे हैं, लेट्स मेक इट अ न्यू कैटेगरी, ठीक है. और अगर आप वो नई कैटेगरी में चले जाओगे तो आप बहुत जल्दी स्केल कर सकते हो. मेरा एक दोस्त है, उसने लास्ट ईयर नहीं, उसने अराउंड 5 महीने पहले एक नई कैटेगरी आई थी, उसमें उसने शुरू किया था. आज की डेट में उसके पास टाइम भी नहीं होता है बात करने का, वो इतना बिजी रहता है, पूरा दिन काम आता है, उसने और बंदे हायर कर लिए हैं, ठीक है. तो उस तरीके से उसने पूरा बिजनेस ग्रो कर लिया. और मैंने उसको गाइड किया कि आप बाहर भी क्लाइंट्स पकड़ो ताकि यू कैन मेक अ बिल्ड अप बिजनेस अराउंड इट. पूरी एजेंसी क्रिएट करने में ऊपर लगे हुए हैं, ठीक. लेट्स से मैं अभी ऐसी रिसर्च कर रहा था आपको दिखाने से पहले इंडस्ट्रीज पे न्यू लिखा हुआ था. मैं गया न्यू पे, ठीक है, रियल स्टेट पे गया. मैं रियल स्टेट पे जाके मैंने क्लिक करा था लीड जनरेशन के ऊपर. जब मैंने लीड जनरेशन के ऊपर क्लिक करा, मेरे को काफ़ी सही गिग्स मिल गए. आप कॉपी भी कर सकते हो. अब देखो रियल स्टेट के ऊपर कितने 27 सर्विसेज अवेलेबल हैं, सिर्फ और सिर्फ 27. कंपेयर कराऊंगा मैं आपको, ये लग रहा है कि ज़्यादा है, 27 कुछ भी नहीं है. अब इनके देखो, यहाँ गए, ये रियल स्टेट के लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, वो हम देखते हैं. अगर आपको एक बार ये पता लग गया ना कि यार ये मार्केट में चल रहा है, YouTube पे जाके आप स्किल वो बहुत जल्दी सीख सकते हो, बहुत इजी है. देखो 7 ऑर्डर इन क्यू, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बाय स्टैंडर्ड या फिर प्रीमियम. और हो सकता है वो आपसे चैट करें तो आप उनको अपसेल कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से. इसके बारे में हम सीखेंगे. ये देखो चल रहा है ना 7 इन रिव्यू. अब हम इनकी प्रोफाइल पे भी जाते हैं, प्रोफाइल पे जाकर क्लिक करेंगे, देखेंगे बाकी कौन से इनके पास गिग्स है. ये देखिए दूसरे पे देखते हैं, 2 आ रहे हैं रिव्यू में, 5 सिर्फ और सिर्फ 5 रिव्यूज हैं और 2 ऑर्डर क्यू में है इस, और 2000 रुपीज पर ऑर्डर है. काफ़ी इजी होगा, 110% बहुत इजी के ये बनाने के लिए. तो आप देखो 4000 रुपये तो सीधा सीधा यहाँ पर जेब में ही है, और इतने जल्दी 5 रिव्यू कुछ भी नहीं होते हैं. और देखते हैं 1 ऑर्डर इन क्यू, ठीक है, इसमें 4 ऑर्डर हैं क्यू में. रिसर्च कैसे की जाएगी दिखा रहे हैं हम आपको. आई विल राइट, ये ठीक है, इसके पास भी है और ज़्यादा नहीं है. फरवरी 2019, इनके पास कुछ काफ़ी सही होगा क्योंकि फरवरी 2019 में इन्होंने शुरू करा, 1000 से ज़्यादा. ये देखो, आई विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर माइनिंग डेटा, B2B लीड जनरेशन, जियो टारगेटेड. ये अच्छा है, इसमें कमाई ज़्यादा है. हमें ऐसे पे काम करना है जिसमें कमाई ज़्यादा हो. डेटा वगैरह में ये भी ईजी होता है पर इनकम कम है, हमें हाई इनकम पैकेजेस बनाने हैं. ये देखिए ये सर्विस दे रहे हैं
और देखते हैं क्या हो सकता है। रियल इस्टेट में आप बिल्ड योर वेबसाइट, अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है, SEO, ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, बिजनेस कार्ड बना सकते हो, ईमेल मार्केटिंग, प्रोमो, SEO देखते हैं। SEO में क्योंकि स्कोप ज़्यादा होता है। अब ये जो SEO है, रियल इस्टेट का SEO यहाँ पे है नहीं। आप स्पेसिफिकली कीवर्ड कैसे बना सकते हो, आई विल डू रियल इस्टेट SEO, उससे क्या होगा, आपका एक नीश क्रिएट हो जाएगा। आप जो यूज़र आएगा उनको लगेगा हाँ इस बंदे को रियल इस्टेट के बारे में ज़्यादा अच्छा पता है, वो कीवर्ड भी जल्दी रैंक होगा। लेट्स से आप लोगो बेचते हो, लोगो पे गए, लोगो पे देखो कितनी सर्विसेज हैं, 1,22,000, ये तो करना ही नहीं है किसी भी हालत में। आप रैंक कर भी लोगे एक आध दिन और फिर उसके बाद नीचे, ये देखो कितने सही, 91,000 का एक लोगो, 5,000 का लोगो, 7,000 का लोगो, और ये स्टार्टिंग है, इससे ज़्यादा भी जाता है। अगर रैंक हो भी गया तो इसमें फिर कमाई भी बहुत अच्छी है। ये देखो कितने कितने 56,000 का लोगो, ये प्रो वेरीफाइड है, प्रो के बारे में बाद में बताऊंगा प्रो क्या होता है, देख रहे हो कितने महंगे महंगे। अब मगर हम जाएंगे इसमें नीश के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। हम कर देते हैं विंटेज, हो सकता है मैं थोड़ा तेज स्पीड में चल रहा हूँ आपको लग रहा हो, बट आपको स्पीड अपनी तेज करनी पड़ेगी अगर जल्दी सक्सेस चाहिए तो। अब ये देखो वहाँ कितने थे, 1,22,000 सर्विसेज अवेलेबल, यहाँ पे देखो सिर्फ 2,600 सर्विसेज अवेलेबल। और देखिए विंटेज लोगो, सी 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 विंटेज लोगो, कितने रिव्यूज हैं विंटेज लोगो। विंटेज के अंदर भी ऐसी हम और भी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे जाते हैं, एक के बाद हम एक एक चीज़ ढूंढते चले जाएंगे और देखते हैं क्या हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी, ये तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू, इजी नहीं होगा ये, ठीक है। यूएक्स राइटिंग, लिंक्डइन प्रोफाइल, आप किसी के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर आपका कंटेंट राइटिंग अच्छी है तो आप किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हो। ये देखो कितने अच्छे खासा 342 हैं सिर्फ, और ये देखो पैसे कितने सही मिलेंगे। आई विल रिवैम्प योर लिंक्डइन प्रोफाइल, आई विल राइट योर लिंक्डइन सर्विसेज, सी इसमें भी बहुत अच्छी कमाई है। आपको नीश पे जाना है, नीश के अंदर भी सब नीश ढूंढने की, हम क्या कर सकते हैं, क्या कंटेंट राइटिंग एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आप कर सकते हो। अगर इफ़ यू आर अ गर्ल या इवन बॉयज़ भी काम मिल जाता है उसका, क्या होता है लोग जाते हैं एंड दे जस्ट होल्ड देयर बैनर्स, जो भी क्लाइंट आपको वो देता है, आई स्टैंड विद दिस बैनर एंड ऑल, ऐसे बंदे लेके खड़े होते हैं, फ़ोटो खींच के भेज देते हैं। मैंने एक गिग देखा था ताजमहल के पास, वो जाके ताजमहल में दिखाई देता हूँ आपको, वो उसमें लिखा था आई विल स्टैंड नियर ताजमहल एंड टेक अ फोटो ऑफ योर टेक अ फोटो ऑफ योर बिजनेस, या फिर उसमें था कि अगर किसी को हैप्पी बर्थडे बोलना तो वहाँ से मैं हैप्पी बर्थडे बोलूँगा ताजमहल। हैप्पी बर्थडे वीडियो, ये हो गया। मीनवाइल ये देखो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वीडियो बच्चों की, आई विल बीट बॉक्स, सी अब आप बीट बॉक्सिंग, कोई बंदा है जिसके पास अपनी स्किल है बीट बॉक्सिंग, उसको यूज करके यहाँ पे वीडियो बना रहा है। आई विल सेंड फनी हैप्पी बर्थडे वीडियो इन 24 आवर्स, आई विल मेक ऑसम वीडियो, आई विल डू हैप्पी बर्थडे वीडियो, ये देखो आई विल सेंड यू हैप्पी बर्थडे ग्रीटिंग फ्रॉम 6 कंट्रीज, ये कुछ ना कुछ इसमें कर देगा एक वॉइस ओवर करके या कुछ। आई मेक हैप्पी बर्थडे वीडियो फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप,
वो इसकी इमेज यूज करके उसके ऊपर वॉइस ओवर करेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेगा ये। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, कवर लेटर्स, ठीक है, वीडियो में ऐप, वेबसाइट रिव्यू, बुक ट्रेलर्स। एक में देखा था बुक कवर्स, बुक कवर डिजाइन, फैंटेसी बुक कवर। अब हम क्या कर रहे थे, सिर्फ बुक कवर, बुक कवर में होता काफी ज्यादा कंपटीशन। अभी फैंटेसी बुक कवर में थोड़ा सा कंपटीशन होगा कम। ये देखो फैंटेसी बुक कवर, फैंटेसी बुक कवर, फिक्शन बुक कवर। अब बुक कवर देखें, सिर्फ इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सर्विसेज होंगी, इसमें ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो हम अगर कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करते हैं, हमें एक बार पता लग गया कि यार इस कीवर्ड पे काम करना है, फिर हम उसको आगे टिक फॉरवर्ड करेंगे। हाँ भैया, 5,600, देखो 1,000, 1,000 रिव्यूज़, और काफ़ी ज़्यादा इसमें वो होंगे, क्या बोलते हैं, ऑर्डर इन क्यू, मतलब कि जिनके ऑर्डर चल रहे होंगे। देख रहे हो, लोगो हो गया। और डिजिटल मार्केटिंग में देखते हैं, पब्लिक रिलेशन, पॉडकास्ट मार्केटिंग, SEM, फेसबुक और सर्च इंजन SEM भी कर सकते हैं। देखते हैं SEM में, गूगल एडवर्ड्स से रिलेटेड है ये। अगर गूगल एडवर्ड चलाना आता है आपको या फेसबुक एड चलानी आती है तो आप उसकी सर्विसेज दे सकते हो। देखिए गूगल एडवर्ड्स की तो बहुत ही महंगी सर्विसेज जाती हैं। और देखते हैं टैरो डिजाइन, लैंडस्केप, फोटो, प्रोडक्ट फोटोज थी, फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग, प्रोडक्ट एडिटिंग, प्रोडक्ट गूगल। ये बहुत हल्की गई है, हम महंगी चीज पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखाता हूँ, SEO, ठीक है। अगर आपको लोगोस वगैरह पे काम आता है, 28 ऑर्डर्स इन क्यू, देखिए कितना सही कर रहा है ये बंदा, बहुत ही सही, आराम से $1,000 बन रहे हैं इसके पक्का, 5 से 10 हजार डॉलर तो कहीं नहीं गए। ये देखिए, ठीक है। अब ये SEO जो है, 12,000 इस पे सर्विसेज अवेलेबल है, मगर इस पे भी अभी भी किया जा सकता है अगर हम इस पे सब नीश पे जाते हैं। SEO में बहुत ही अच्छी कमाई होती है अगर आप ढंग से सर्विस देते हो तो। दिखाता हूँ मैं आपको, सेवेंटी 9 ऑर्डर्स इन क्यू, और स्टार्टिंग है 14,000 रुपीज से, 14,500 से, स्टैंडर्ड 22,000 और 30,000 रुपीज। ये बंदा कम से कम $50,000 कमा रहा होगा महीने के, राइट? 50,000 डॉलर। हम $20,000 करते हैं, हमें पता है कि और ऊपर जा सकते हैं, मगर ये $50,000 करना, इतना तगड़ा बिजनेस चल रहा होगा ना इसका, इतने आराम से कि हद ही हद नहीं, हद पार कर दी इस बंदे ने तो। और तब भी लेवल 2 है, उसके पीछे भी रीजन है। अब ये देखो, इसने 21 ऑर्डर पकड़े हुए हैं, ठीक। ये देखो इसके 55 ऑर्डर्स हैं क्यू में, 5,000 से शुरुआत है। वाइट हेड बैकलिंग, 10 इन 10 स्टेप, प्लीज सी द इमेज, प्रीमियम 11,000 का, काफी सही। देखो 20 ऑर्डर, 5,000 से शुरुआत है, 7,000, 10,000, 13,000 है इसका,
देख रहे हो, ये देखो ये था एजेंसी वाला, फिर इसमें भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स होंगे। आई विल क्रिएट स्टोर इन मैजेंटो। अब मैजेंटो जिसको यूज करना आता है, अगर कोडिंग आती है तब तो कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मगर ये जितना चार्ज कर रहा है उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आप सीख के आराम से 15 दिन के अंदर यूट्यूब से सीख के ऐसा गिग बना सकते हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, जितना ये चार्ज कर रहा है। और दिखाते हैं, 16 ऑर्डर्स इन क्यू, 300 से शुरू है और 2000 3000 ऐसा जा रहा है। ऐसे ऐसा नहीं है कि इसके पास पहले दिन से इतनी सेल्स आ रही थी, टाइम लगा है। जब मैंने शुरू करा था 1 साल पहले, तो मेरे को ये नहीं था कि भाई पहले हफ्ते में मेरे पास 200 200 ऑर्डर हो गए थे। पहले 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। अब करते करते मेरे पास ऑन एन एवरेज 28 30 40 तक हमारे ऑर्डर्स एक्टिव रहते हैं। वो सीन है, ऐसा नहीं है कि छूटते ही आपके ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। धीरे 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 रेगुलर ऑर्डर होते रहेंगे, आपकी जो प्रोफाइल होगी वो बढ़िया होती जाएगी। डे वन पे कभी कुछ नहीं होगा। अब इस लेडी का देखो, 2016 में शुरू करा था, काफी सही कर लिया उस हिसाब से, है ना। अब बंदा आराम से बैठ के कमाया पैसा, और कॉन्टिन्यूस मनी, ऐसा नहीं है कि रुक रहा है बीच बीच में पैसा। ठीक, राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट, और क्या हो सकता है, सॉन्ग राइटर, एडिटिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्यू एंड रिसर्च, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम सर्विस, देखते हैं। एक तो हमें ये सही लगा था, रियल इस्टेट वाला, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, सिर्फ 27 सर्विसेज हैं और ऑर्डर्स आ रहे हैं सब पे ऑलमोस्ट, है ना। इस शांता ने तो भैया शांति कर दिया सबको, हर उस पे ऑर्डर्स हैं भाई साहब। ये तो बहुत सही किया यार, ये देखो इस पे भी ऑर्डर्स हैं, और काम बहुत इजी है ये, 110%। अगस्त 2019 में बनाई है। अब ये देखो कितना बुरा यूजर नेम है, स्किप ट्रेसिंग 0 0 0 है। ऐसे थोड़ी होता है अच्छी। अब इसका नाम देखो शांता 7, कितना सिंपल है। तो जब भी यूजर देखेगा, अब आप जब वो इस पे गो थ्रू कर रहा है, उसको जो इजी दिखेगा वही तो उसी पे जाएगा ना। शांता से कितना सिंपल है, इसकी एकदम बढ़िया इमेजेस पे आएंगे हम बाद में, मगर अभी आप ये देखो, देख रहे हो कितना सही है। और ऑनलाइन है, कोई ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ ये ऑनलाइन है, ये अभी ऑनलाइन है, इसके पास भी ऑर्डर्स होंगे। ऑनलाइन होने के बहुत फायदे होते हैं। मेरे 2 अकाउंट, एक इधर लैपटॉप पड़ा है वो भी ऑनलाइन है, और जो हमारा दूसरा अकाउंट है, जो मेन अकाउंट है, वो 3 जगह ऑनलाइन रहता है एक बारी में। एक यहाँ पे मेरे लैपटॉप पे, मेरे फोन पे, एक ये फोन है, एक फोन और 3 लैपटॉप्स, और काफी जगह ऑनलाइन रहता है। अब इसकी रेटिंग खराब हो गई इसलिए इसके पास ऑर्डर एक कम है, वरना अच्छे ऑर्डर आ रहे होंगे इस पे। ये देखो इसके पास भी एक ऑर्डर, वेरी नाइस। तो इस तरीके से हमने गिग ढूंढना है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल है तो हम सीधा उसी पे बनाएंगे। आप मेरे बाकी की जो फिर रिव्यू, वो ये है वीडियोस, वो देखना अच्छे से। ये भी आप देखो, ऐसा नहीं कि अगर आपका स्किल है तो आप कहोगे यार सीधा वही करना है। हो सकता है यहाँ से आपको कोई चीज मिल जाए, जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, हो सकता है आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिससे कि आपका काम बढ़िया हो जाए। और यहाँ पे सिर्फ एक कीवर्ड की बात होती है, एक बार एक कीवर्ड मिला और आप स्केल कर सकते हो बहुत इजीली, पॉसिबल
पॉलिश योर फोटोज। अच्छा, अब जैसे हमने क्या करा था, स्टोर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है ना, परफेक्ट योर वीडियोज, पॉलिश योर फोटोज, डिजाइन योर सोशल एड्स। सोशल एड किससे बनती है? मोस्टली हम उससे बनाते हैं, कैनवा से। कैनवा ऐसे यूज करना है, वो आप यूट्यूब कर सकते हो, वरना जब मैं एक इमेज बनाऊंगा तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा कैनवा कैसे यूज करते हैं। देखो, एंगेज योर फॉलोअर्स विद जिफ, बिकम इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी, आई विल मैनेज योर इंस्टाग्राम पेज। ये बहुत इजी काम है। ग्रो अदर साइट्स, यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम होता है। तीन ऑर्डर्स इन क्यू, और सो हम अपनी इस वीडियो में, जो हमारी आने वाली और वीडियोज होंगी, हम लीड जनरेशन को लेके चलते हैं एज अ केस स्टडी जिस पर हम मेजरली काम करने वाले हैं। आई एम सॉरी अगर आप में से किसी का ये नीश है, क्योंकि हो सकता है कोर्स के बाद इसमें बम्बार्डमेंट हो जाएगी। ये बहुत ही तगड़ा नीश है। पाँच, देखो 11,000 से स्टार्ट है, 17,000, 11,000, दिस इज़ गुड। सोशल मीडिया मैनेजर एक्सपर्ट, ठीक है। तो रिसर्च करो, कोई स्किल आती है उसके आगे पीछे कीवर्ड लगेंगे और ढूंढ लोगे, मिल जाएगा। लोगों की प्रोफाइल पर जाओ, उस प्रोफाइल पे ही और भी गिग्स होंगे, उनको देखो। ऐसे करते करते यू विल मेक अ चेन और आपको एक बहुत सही चीज़ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड वन, बाय।